स्टोरी मिला है, दादा मिले, दादा आपका क्या नाम है? प्रेमनाथ गोसा। हमारा स्टोरी छिलो जे आमी छोटो थेके खूब कष्ट करे मानुष। भैया लोग आते रहते हैं ऐसे लुंगी पहन के, एक मन में गुलू गुलू होता है इतना तानने से। एक दो बार बाइक में आग लग चुका है यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन। कैसे हैं आप सब? ये व्लॉग का सेकंड पार्ट है, तो मैं सोचा चलो व्लॉग को थोड़ा रास्ते में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैंने पिछली बार भी व्लॉग को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था वहीं पे ही। तो मैं बोला चलो अब डेस्टिनेशन चेंज होने वाला है, जैसा मैंने आपको बोला ही था कि कुछ अल्टीमेट फन होगा सेकंड। आ भी गया है द अल्टीमेट हिंदुस्तान होटल। ये भी मेरे को सही लगता है, यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा अब है। अब हम यहाँ पे पहाड़ से उतरते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा ही तोड़ दिए। यहाँ पे गार्ड वॉल हुआ करता था। कोई भाई लोग अगर देख रहा है वीडियो तो उसको पता भी होगा कि यहाँ पे पहले बहुत अच्छा गार्ड वॉल होता था, अब नहीं है। सही है, कहीं से भी आओ कहीं से भी चले जाओ। तो हमारा बाइक का लाइनअप यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जगह अभी इसके लिए सही लग रहा है, बाद में हम लाइनअप चेंज करेंगे। सब भाई लोग आ गए हैं, चलो आपको अब मिलते हैं अंदर। सब लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान होटल, आपको ऐसा मैंने बोला ही था। तो हम लोग खाने वाले हैं, आप खाने का टाइम लैप्स का मज़ा लो और हम लोग खाने का मज़ा लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज आपने खाने का सिनेमैटिक्स तो देखा ही था, खाए हम लोग खाए, थोड़ा सा आपको दिखा दिया मैंने। अब आप देखोगे हमारा इधर का लाइनअप एंड इधर का थोड़ा सिनेमैटिक्स। ये जो मैं आया हूँ आप पीछे देख ही सकते हो, मैं हिंदुस्तान होटल पे आया हूँ। तो आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने आज़ाद हिंद देखा था, तो मैं सोचा कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करेंगे। ये भाई भी देखो अभी मोबाइल में लगे हुए हैं, यहीं से एडिटिंग शुरू कर दिए हैं। भाई बोल रहे हैं आज 5 वीडियो बनाएंगे हम एक साथ में। तो जो भी है वो भाई तो रील में लगा ही हुआ है, एक हफ्ता का रील करे जा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं डेस्टिनेशन एटलीस्ट चेंज करता हूँ, तो आपको भी एक न्यू लुक आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट राइड तो बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लंबा होने का बात है। अब देखते क्या होता है, अगर लक साथ रहा और वेदर भी साथ रहना चाहिए भाई, नहीं तो वेदर साथ नहीं रहा तो काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सभी कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारा सेटअप आप देख ही ले रहे हो, हम यहाँ लाइनअप कर रहे हैं। आप अब सिनेमैटिक्स देखना, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ, ठीक है गाइस, बने रहो वीडियो में। Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I've been lost, I've been. तो hey guys, एक बहुत interesting story मिला है। दादा मिले, दादा आपका क्या नाम है? प्रेमनाथ घोषाल। प्रेमनाथ घोषाल, इनका जो मशीन है मैं आपको दिखा दूंगा सिनेमैटिक्स में हल्का सा इनका बात के बाद। अब आप इनके बात ही सुनो, आप बताओ दादा क्या आपका स्टोरी है? हमारा स्टोरी छिलो जे आमी छोटो थेके खूब कष्ट करे मानुष होइछि। आमी एक दिन होक एक बेला होक एक घंटा होक बुलेट किनबो। अच्छा, এবং এটা নিয়ে আমার 3টে বুলেট হলো। ও সাবাস। আমি ওই 2 আড়াই সাল হবে বিক্রি করে দিই। আমার নতুন নতুন যেগুলো ওঠে এনে আমার ম্যাটি ওরা আবার নিয়েছে। তো দেখি সকতে হো গাইস, ইনকা জো কাহানি হ্যায় না আল্টিমেট স্টোরি হ্যায়, ইসিলিয়ে কোই ভাই নিরাশ মত হোনা। আজ আঙ্কল নে কিতনে সাল মে আপনা ড্রিম পুরা কিয়া থা? 55 ইয়ার্স লাগ গিয়া ইনকো। হাম তো তোবি ভি বহুত বচ্চে হ্যায়। तो ठीक है, आज नहीं तो कल होगा। नॉर्मल बाइक हो या सुपर बाइक हो, रिस्पॉन्सिबली राइड करना है। अंकल 100 के ऊपर नहीं जाते हैं, मैं भी नहीं जाता, थोड़ा बहुत जाता हूँ 130, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स मशीन लेंगे तो अंकल जाना तो पड़ेगा, क्या बोलते हैं? अंकल भी राजी है, तो आप भी देखो और स्टोरी से इंस्पायर हो और लोगों को भी इंस्पायर करो, ये मैसेज शेयर करो। और इनका मैं मशीन दिखाता हूँ, सिनेमैटिक्स देखो। तो दादा के साथ मैं बैठा हूँ, चिल टाइम हो रहा है और भैया लोग भी है इधर, भाई लोग भी बहुत है। देखो बाइकिंग ब्रदरहुड के बारे में तो आपको मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, मतलब जब तक आओगे नहीं ना राइड करने तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या दादा, जैसे इनका आपका लड़का है ना? हेलो भैया नमस्ते। देखिए भैया, मेरा एक चैनल है 90s की डमन, आप सब्सक्राइब करिए। आपका पापा जी का मैं इंटरव्यू लिया हूँ हल्का सा, जैसे उनका एक स्टोरी है ना, 55 ईयर्स तक वो राइडिंग कर रहे हैं एंड ऑल।
हाँ पापा तो राइड कर ही रहे हैं और उनका मैं अपना चैनल में इंक्लूड भी किया हूँ, एक मिनट का ऐसे शॉर्ट बनाया हूँ और उनका मशीन का थोड़ा सिनेमैटिक्स लिया हूँ, उनका डालूंगा। ठीक है, थोड़ा लेट डालूंगा, ये वीडियो 5-6 दिन बाद आएगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय हिंदुस्तान होटल, अब हम मिलेंगे आपसे कुछ दिनों बाद। तो दादा बाय बाय। तो हो गया हम लोग का आज राइड सक्सेसफुली, मतलब अभी तक तो राइड कंप्लीट हुआ नहीं है लेकिन इधर तक का राइड सक्सेसफुल हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा धूप है बस, रहे तो अच्छा है यार, कम से कम बारिश से तो अच्छा ही है, धूप रहे थोड़ा सा रहे हम शहर के सहन लेंगे। और हम लोग जा रहे हैं, आपको तो रास्ता देख के पता चल ही रहा है, ये सर्विस लेन है, ये हिंदुस्तान का वाला लेन है, इसके आगे जाने से हमें टर्निंग मिलता है, डायरेक्टली फिर हम रिटर्निंग हाईवे पे आ जाएंगे। अभी तक का फ़न तो आपने देख ही लिया है, ज़रूर से कमेंट करना, इंस्पायरिंग स्टोरीज मैं ला रहा हूँ, ऐसे ऑन द गो लोगों से मिलना होता है। तो यही है राइडिंग करने से, आप खाली ऐसा नहीं होता है कि यार मतलब ठीक है राइड किए आ गए अपना एटीट्यूड में, नहीं, अगर हम, मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आप हम्बल रहोगे सब आपसे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो तो है ही। चलो आपसे मैं मिलता हूँ हाईवे पे। ठीक है, A few moments later. वहाँ से मैं निकला था, वो है हिंदुस्तान होटल, और वहाँ से मैं टर्निंग लेके फिर हाईवे पे आ गया हूँ। तो यहाँ का भी सीन अच्छा ही है, देखो इस तरफ बादल कम है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ बादल शुरू हो रहा है, तो ये भी एक मज़ेदार सीन देखने मिलता है। ये सब सिर्फ आपको हाईवे में ही मिलेगा, मतलब सिटी में ये सब तो आप कभी मज़ा ले ही नहीं पाओगे। देखो ये ग्रीनरी, मतलब इसमें अगर बाइक चलाने का मौका मिले तो क्या ही मज़ा आएगा, ऐसे मौका मिलता है। देखो ये एक लेन है, यहाँ से लोग जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा फील आएगा। लेकिन चलो अब हमारे पास वो टाइम नहीं है आज, क्योंकि हमने ऐसे ही ऑन द गो बहुत लेट कर दिया है, तो सब भाई लोग निकल चुके हैं, कि ऑब्वियसली यार बाइकिंग ब्रदरहुड यही होता है कि आप साथ में जाते हो, साथ में आते हो, ग्रुप राइड का मतलब यही है। तो मैं फिर से ग्लव्स पहनना भूल गया, चलो आगे जाके पहन लूँगा कहीं पे। ठीक है, ग्लव्स के बिना भी ठीक ही लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हवा हवा आता रहता है, हवा के बिना तो अजीब सा लगता है। थोड़ा स्पीडी मज़ा लो, हल्का फुल्का स्पीडी का मज़ा लो। हिसाब से जाना पड़ता है, देखो यहाँ पे कितना सारा पॉटहोल है, देखो ये गड्ढा देख रहे हो ना, बाबा रे, ये सब उसमें बोलो अभी क्यों कैसे बचोगे, इसीलिए ना। और जब हाई स्पीड में रहते हो ना तो रास्ता उतना अच्छा समझ में नहीं आता, और ये जो बादल है देखो ना, बादल का एक शैडो बनता है, वो शैडो इतना ही डेंजरस होता है, जैसे कि देखो कुछ दूर पहले शैडो दिख रहा है, तो शैडो पार्ट में आपको पॉटहोल्स दिखेगा नहीं एग्जैक्टली, तो यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से चलो यार, किसी को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से जाना है। मैं तो यही दिमाग में रखता हूँ यार, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करूँ ना, कभी ऐसे मजाक मस्ती में। हाँ फ्रेंड्स है, वो टान रहा बगल से हल्का टान लिया, वो अलग चीज़ है, रैंडम गाय के साथ तो कभी नहीं, कभी नहीं भाई, क्योंकि उसका अगला मूव क्या होगा आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे। अपना फ्रेंड्स का आप अगला मूव जज कर सकते हो, लेकिन उसका तो आप कभी नहीं जज कर पाओगे। तो ये भी एक होता है हाईवे में, ये सारा चीज़ देखने मिलता है। ये बाली लेके जाया जा रहा है, वाह बाली, पता नहीं जाने के टाइम आपको ऐसा लगेगा ना कि बहुत जल्दी राइड खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन आने के टाइम उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि आने के टाइम क्या अलग क्रेज होता है, एक अलग फ्रेशनेस होता है, तो उस टाइम अलग सा फील रहता है। देखा जाए तो राइडर्स है तो एग्जॉस्ट ही होते हैं, एग्जॉस्ट भी होते हैं, तो उसी के लिए थोड़ा सा फिर अनईजी फील होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इंसान ही है यार, वीडियो बना रहे हैं बस और क्या। चलो स्पीड ही करते हैं, थोड़ा सा और पोजिशन अच्छा है। ये सब टर्निंग में ना देखो ऐसे कॉर्नरिंग करने का अलग ही मज़ा है, ऐसे कॉर्नरिंग करने का मज़ा ही अलग है। लेकिन कॉर्नरिंग करने के लिए भी क्या होता है ना, कॉर्नर भी थोड़ा अच्छा चाहिए, मतलब थोड़ा बड़ा कॉर्नर चाहिए और मिनिमम स्पीड 100-120 रहना चाहिए कॉर्नरिंग के लिए, और उससे ज़्यादा रहे तो और अच्छा है। जाम बहुत है आज हाईवे, मतलब क्या ही बोलूँ, पूरा कियोटिक है हाईवे। मौसम इधर ठीक हो रहा है, बारिश ना हो बस, मैं तो यही दुआ करूँगा, बारिश होने से दिक्कत है। और हाईवे का कहानी तो आपने सुना ही होगा, हाईवे में बहुत ऊट पटांग चीट होता रहता है, तो इग्नोर करना जितना हो सके, हाईवे में अननोन चीज़ों से दूर रहना, ज़्यादा कोशिश मत करना अननोन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने का, कोई भी हो, वो बंदा हो या बंदी हो या कोई भी हो। देख सकते हो जैसे ये भैया जी आ गए हैं, वैसे भैया लोग आते रहते हैं ऐसे लुंगी पहन के, ठीक है, आते रहते हैं,
आज थोड़ा थोड़ा स्पीडी का मजा मिल रहा है मुझे। मैं बोल रहा था मौजा मिल रहा है मौजा ही मिल रहा है, क्या ही बोल सकते हैं। तो स्पीडी मज़ा आज आ रहा है। और देखो बाली यार, पूरा बाली उड़ के मुंह में आ रहा है। अरे कितना सारा ट्रक बाली का जा रहा है। ये बाली देख के मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, चलो देखते हैं। तो ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा। अच्छा वेदर भी देख लो, वेदर मस्त हुआ हुआ है, एकदम मज़ा आ रहा है, सब ब्रुम ब्रुम करने का मन कर रहा है। ओ भैया लोग बिना हेलमेट पहन के हीरो बनते हुए। हाँ यहाँ पे नारियल पेड़, किसी को कोकोनट वाटर पीना हो तो यहाँ आ सकते हैं, फ्री फंड में मिल जाएगा। राइड का राइड भी हो जाएगा और कोकोनट पीना भी हो जाएगा, कोकोनट वाटर। थोड़ा सा पोजीशन अच्छा दिख तो रहा है इधर, देखते हैं टालने का कोशिश करते हैं। होंडा सिटी के साथ रेस होने जा रहा है मेरा। बहुत ज़्यादा टान दिया मैंने, इतना टानने से दिक्कत लगता है, मन में गुलू गुलू होता है इतना टानने से। सही में एड्रेनलिन रस होता है, एक एड्रेनलिन रस जो होता है ना, वो आप भी शायद महसूस कर सकते हो जब कभी आप हाईवे में आके थोड़ा इंटेंसिव टानोगे, बहुत ही मस्त इफेक्ट आता है। तो चलो देखते हैं। देखो आखिर हमने इन भाई लोगों को पकड़ ही लिया। वाह वाह क्या ही जाना है सावार। ये मेरा आज पहला एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइज, आपको कैसे बताऊं मैं। आपने जो वीडियो स्टार्ट होते हुए देखा है जब मैं निकला हिंदुस्तान होटल से, तो मैं वहाँ कभी का निकल गया था, मतलब निकला ये भाई लोग निकल चुके थे, ठीक है, उसके बाद भी मैंने इनको टच कर लिया। टान रहे नॉर्मल 100 पे जा रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत टान टून के आ गया सावा, साथ में हम मिल गए, यही तो अब मज़ा आएगा। तो आपने बर्नआउट देख ही लिया गाइज, तरकता भरकता मैंने बर्नआउट किया है, आप देखो मजा लो। और क्या ये भाई ने हेल्प कर दिया बर्नआउट बनाने का, ये देखो भाई का बाइक है, सब यहाँ पे थोड़ा सा नाप ले रहे हैं, हल्का सा बाइक को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। यहाँ बारिश थोड़ा मौसम फैला हुआ है, ये गाड़ी आ रहा था मार देता मेरे को अभी, ठीक है। तो ये भाई भी पूरा अपना बाइक को रेस्ट देते हुए, मेरा बेला भी आज बहुत मस्त परफॉर्म की है। तो जो भी है आपको वीडियो में तो देखने मिल ही रहा है, और भी दिखाएंगे हम, चलो वीडियो में बने रहो। चलो हमारा नैप टाइम ओवर, अब फिर से राइड टाइम शुरू होता है। चलो गाइस आपको मज़ा आएगा सीन देख के देख के। मैं कोशिश करता रहता हूँ, देखो ऐसा कुछ मिल जाता है मौका तो कुछ नया करने का, कुछ ऐसा डालने का, तो अच्छा लगता है ऑन द गो। ठीक है आप भी देखते रहो, मज़ा आएगा। ये भाई लोग से मिल के बहुत मज़ा आया, देखो यार क्या ही सीन मिल रहा है। टी शर्ट भाई का उड़ते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ऐसा मिलता है, टी शर्ट भाई पहना है, स्पीड में जा रहा है तो होता है छोटी बातें हाईवे में। हाँ ये भाई लोग भी बहुत मस्त है, मतलब देखो उस दिन हम लोग का ऐसी रैंडमली दोस्ती हो गया, तो मज़ा आता है यार। देखो आज हम फिर दोबारा निकले प्लान करके, ये मस्त लगता है ऐसे जाना। यही स्पिरिट चाहिए, ये स्पिरिट चाहिए गाइस, ऐसे जो मजा देते हैं ना क्या ही फील आता है मुझे, मुझे अल्टीमेट मजा आता है ऐसा रास्ता में फन होने से। इसके लिए मैं तो वेट करता हूँ कि भाई आए कोई मेरे साथ मजाक करे, मैं तो मजाक करने के लिए ऑलमोस्ट हर टाइम रेडी हूँ, आग लग जाए कहीं पे मैं मजाक कर लूंगा उधर जाके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे सीरियस वाला जगह में नहीं करना चाहिए, लेकिन तो भी मैं कर लेता हूँ हल्का फुल्का, तो ठीक है वो भी थोड़ा मैं कंट्रोल करूंगा आगे चल। यहाँ भी बारिश हल्का हल्का हो रहा है, यहाँ रास्ता का भी काम हो रहा है। हाँ बचा के गड्ढा से बेला को बचा के रखना है, ताकि हम जन्मों जन्मांतर तक राइड करते रहें साथ साथ में। Few moments later. तो गाइस देख सकते हो हम लोग का चाय ब्रेक है अभी, तो ऑब्वियसली लेना जरूरी पड़ता है, क्योंकि देखो यार इतना एक टाना राइड करोगे तो क्या मतलब है। देखो सब भाई लोग राइड पे आके यहाँ पे रुकते हैं, सारा कोई यहाँ पे रुका है, मैं उतना चाय पीता नहीं है लेकिन भाई लोग बोलता है तो मैं पी लेता हूँ, वो भी लेमन टी ओनली, हेल्दी रहने का ब्रो, ऐसे अनहेल्दी चीज़ नहीं खाने का ऑन द राइड, क्योंकि राइड में कुछ दिक्कत हो जाए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उधर भी भाई लोग है, सब कोई राइड करके आया, यहाँ थोड़ा रेस्ट लेता है, ये एक तरह का यहाँ पे रीति रिवाज है कि आपको यहाँ पे मत्था टेकना होगा,
ये ज़्यादा बोल रहे ना। चलो ठीक है, इसका भी हम लोग बहुत अच्छा नाम ढूंढ रहे हैं भाई। दानकुनी टूर का एक अच्छा नाम बताओ यार, बाइकर्स नाम, मतलब जो हम लोग के वजह से फेमस हो। हम लोग नाम सजेस्ट करते हैं, अब उसको दानकुनी टोल नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई जगह बोलेंगे कि ऐसे बाइकर सिर्फ जाने उस नाम को, जो भी बाइकर होगा वो जानेगा इस नाम को बोलने से ही जान जाएगा कि भाई ये दानकुनी टोल का बात हो रहा है। तो लेट सी गाइज, आप भी कमेंट करो अगर आपको सही नाम सूझता है। कोई भी भाई क्रेडिट उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है मैं अकेला खा जाऊंगा या ये कोई भाई लोग क्रेडिट खा लेगा, सब बाइकर्स के नाम रहेगा वो क्रेडिट। ठीक है, तो मिलते हैं। दानकुनी टोल क्रॉस करके सिटी एंटर कर गए हैं, यहाँ देख सकते हो सिटी का रास्ता है। ये भाई लोग आगे तीन मस्त खड़े हुए हैं, ये भाई पिलियन में है, थोड़ा पिलियन में दिक्कत होता ही है चलाने में, इनका हाथ वाथ पेन हो रहा होगा। भाई लोग का सबका घर इसी रास्ते पे पड़ता है, ये भाई लोग सब इधर ही चला जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा इधर से। तो ठीक है, ठीक है भाई, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम जल्द कुछ नया प्लानिंग के साथ, कुछ तोरू राइड के साथ। अरे भाई देख के होता रहता है, थोड़ा बहुत बचपुचा के चलना पड़ता है, कितना ही बोलोगे, गर्मी का टाइम है, सभी का दिमाग घुमा हुआ रहता है। ये ट्रक का तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि फट फूट ना जाए, नहीं फटेगा तो नहीं ऑब्वियसली, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, फिर ऐसा भी होता है जो आज तक नहीं हुआ वो अभी हो जाता है, वो भी एक चीज़ है। ओ ये आरोन भाई वाला भाई मेरे साथ ही है, चलो। हाँ हाँ, हर संडे भाई, NH2 हिंदुस्तान होटल है, आज़ाद हिंद है, बस वही। हाँ ऐसे और भी जगह जाते हैं, उधर में अपना दामोदर है, शक्तिगढ़ हो गया, ये सब जगह जगह जहाँ पे है जाते रहते हैं। अभी ये 24 तारीख से चैनल बनाया है तो अभी तो ज़्यादा वीडियो नहीं डाला है। थैंक यू भाई, हाँ थैंक यू भाई, अच्छा भाई है। लेकिन आपका जो ये कपड़ा यहाँ रखे हो ना, यहाँ मत रखा करो, एक दो बार बाइक में आग लग चुका है यहाँ पे रखने की वजह से, बहुत हीट होता है, शोरूम भी बोलता है। एक बार हम भी यहाँ पे गलती से रखता था, जब लेके गया ना बोला कभी मत रखो, अगर कल को ऐसा कुछ होगा भी तो क्लेम नहीं होगा, कभी मत रखा, कहीं और रखो, यहाँ मत रखना, बता दिया मैंने। चलो अच्छा जेस्चर है भाई का, सिनेमैटिक्स का थोड़ा मजा लो। तो गाइस देख सकते हो बारिश ने फिर काम तमाम कर दिया है, पूरा बारिश मस्त वाला हो रहा है। तो इधर तक देखने के लिए व्लॉग बहुत बहुत थैंक यू गाइस। ठीक है, बस अब कंटेंट को लाइक करो, अच्छा लगे शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ अगर बहुत अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब करने बोलो अगर आपको फिर से ऐसा कॉन्टेंट देखने का मन है। तो ये करते रहो, और भी आगे वीडियोस बहुत अच्छा आने वाला है, हमने आज बहुत सारा प्लानिंग किया है, अदर राइड्स क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो पे, एंड देखते रहो, मिलते हैं आप किसी और व्लॉग में।